पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं हारिस खान, उनके घर के सामने मौजूद हूँ। भी है हारिस का कमरा अपना मैंने दिमेश का जो है अवार्ड मिला था, ये उनकी ट्रॉफियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं हारिस खान, उनके घर के सामने मौजूद हूँ। ये उनका घर है, ये पेशावर के सर के इलाके में गैर वाक़ है, और यहीं से वो उन्होंने 2012 में यहाँ से जाते थे पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर क्रिकेट अकेडमी में उन्होंने अपने गेम्स का आगाज़ किया, और अपने आज जो है अपनी मेहनत की बदौलत और अल्लाह ताला की मेहरबानी की बदौलत आज जो है इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। आप भी हम उनका इनकी जो उनका जो घर है वहाँ पर जाते हैं, आपको दिखा देंगे कि उनकी उनके कज़न से मिलाएंगे, उनके दोस्तों से मिलाएंगे कि उनके बारे में उनके दोस्त क्या रहते हैं, उनके उनके घर की क्या उनकी क्या मसूदियात हैं, उस हवाले से आपसे बात करें। ये भी है हारिस का कमरा, हाँ छोटे से घर में बहुत खूबसूरत है। अपना जो ट्रॉफियाँ मुख्तलिफ अखबार ने मुख्तलिफ अंडर 16 की अंडर 19 की और पेशावर क्लब में खेले हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है अपना सब कुछ रखा है। आपको बता दूँ आइए आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का साउथ अफ्रीका हवाले से है, जो ट्रॉफी जो है उन्होंने भारत दिमेश है, पाकिस्तान कप है एशिया का, इसी तरह ये उनकी अपनी एक जगह है जहाँ पर उन्हें आप देख सकते हैं। मैंने दिमेश का जो है अवार्ड मिला था, इसी तरह फिर लोकली जो उन्होंने पेशावर क्लब के साथ खेलते हुए जो मुझे को हासिल की थी, इसी तरह दूसरे जो ये उनका कमरा है और ये उनकी ट्रॉफियाँ हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ प्लेयर दिमेश पीएसएल में जब पीएसएल में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो पीएसएल में जब उन्होंने उनकी जो अवार्ड मिला था ये रखी है। और सबसे जो खूबसूरत मुझे यहाँ भी आके लगा जो खूबसूरत बात है, माशाल्लाह उनके उनके बड़े भाई की तस्वीर अनस और अपने वालिद के साथ, और ये जी हारिस की तस्वीर है और यहाँ पर उन्होंने लगाई है, और माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, एक अच्छी बात है पाकिस्तानी टीम के हवाले से। और ये उनका कमरा है, यहाँ पर आके जो आके उन्होंने अपने आप को यहाँ पर सब कुछ उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो दूसरे का जब मैच हुआ था ये इनके यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, इसलिए कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पर नहीं रखी, आहिस्ते आहिस्ते इसको बनाएंगे। ये यहाँ पर आके वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप भी करते हैं, बातें भी करते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं। सबसे अच्छी जो बात है वो यहाँ इसी जगह से ये जो घर है पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तो वो बेस जो है 2 किलोमीटर के पास रहते हैं। तो 2011-12 में जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया है बतौर अकेडमी में, जब उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की तो रोज़ाना 2 किलोमीटर आने में और 2 किलोमीटर जाने में, आने जाने में 4 किलोमीटर वो वॉक करते थे, अपने दोस्त से जाते थे। और आज ये उनकी मेहनत है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि और उनकी वालदैन की दुआ है कि आज इस मुकाम पे है। न सिर्फ उनके दोस्त बल्कि उनके कज़न भी और उनके महल के लोग भी उन पर फख्र करते हैं कि
हारिस ने बहुत कम वक्त में अपना मुकाम बना लिया। और ये मोहम्मद हारिस का मोहल्ला है जहाँ की तंग और रिवायती गलियों में उनका बचपन गुजरा। इन्हीं गलियों में खेलते हुए वो बड़े हुए। इन्हीं गलियों में हारिस ने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेली और इन्हीं गलियों में हारिस ने बड़े बड़े ख्वाब सजाए जो आज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। इन गलियों में आज भी कई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कौन जानता था कि हारिस यहां से निकलकर आलमी मैदानों में अपना सिक्का जमाएगा। आज हारिस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वो पाकिस्तान का फखर बनकर सामने आए। इन गलियों का मवाजना आलमी मैदानों के ग्लैमर से करते हैं तो अकल दंग रह जाती है कि खुदा किसे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। वसाइल हारिस के पास न थे मगर एक यकीन था और यकीन ही उन्हें इस कामयाबी तक लेकर आया। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मोहम्मद हारिस अपने घर से इन गलियों से होते हुए 2 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए क्रिकेट अकेडमी जाते थे। उनके पास एक साइकिल होती थी लेकिन वो हर वक्त दस्तयाब ना होती। मगर हारिस एकेडमी से छुट्टी नहीं करते थे, वो यहाँ से चलते और अपनी एकेडमी में जाकर मामूल के मुताबिक प्रैक्टिस करते। खास बात ये है कि उसी एकेडमी में मोहम्मद रिजवान से हारिस का तारुफ हुआ और तब से दोनों का एक ताल्लुक बन गया। रिजवान हमेशा से हारिस को अपने छोटे भाइयों की तरह समझते हैं और हारिस के करियर में रिजवान का बहुत अहम किरदार है। रिजवान ने हारिस को ना सिर्फ बहुत कुछ सिखाया बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए मौका भी दिया। रिजवान केपी की टीम के मुस्तकिल खिलाड़ी थे और ऐसे में हारिस की जगह नहीं बनती थी। इस सूरत हाल में मोहम्मद रिजवान कमजोर मैचेस में खुद बेंच पर बैठ जाते थे और हारिस को खेलने का मौका देते, जो कि एक गैर मामूली चीज है, क्योंकि हर क्रिकेटर इनसिक्योर होता है कि अगर मेरी जगह कोई परफॉर्म कर गया तो मेरी जगह नहीं बनेगी। लेकिन आप जानते हैं रिजवान बड़े दिल के मालिक हैं। हारिस इस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। हारिस का बचपन से एक ही इश्क रहा और वो क्रिकेट है। उनकी खास बात यह है कि इन गलियों में हारिस के सिर्फ दोस्त हैं, नाराजगी किसी से नहीं, क्योंकि उनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई और ना ही उन्होंने कभी किसी लड़की से इश्क किया। हारिस के घर की तामीर भी जारी है और जल्द पुराने घर में नया घर भी तामीर हो जाएगा जो कि हारिस की लाइफस्टाइल को मजीद अप कर देगा।